अकेलापन महसूस करके आत्महत्या की कोशिश करना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। एक और पेशेंट की स्टडी है। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक करीब करीब 50 साल उम्र की लेडी, उसको उसका हस्बैंड मेरे पास में लेके आए और बोले उसको प्रॉब्लम है, खुद की केयर नहीं करती, खाना भी बराबर खाती नहीं है, खाना पकाती भी नहीं है टाइम टू टाइम, और बार बार उसको विचार आते हैं कि मैंने मर जाना चाहिए। वो लेडी भी बोलती है कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैंने मरना चाहिए, कुछ मेरा पड़ा नहीं है, मतलब ऐसे इसमें वो रहती है। बोले अभी 2-3 बार तो ये पिछले हफ्ते में ये रेलवे ट्रैक पे चली गई थी, फिर वहां से वापस आई कि नहीं भाई मेरे बच्चे है, एक ही लड़की है उसको, मेरी बच्ची है और उसकी शादी हो चुकी है, तो उसकी बच्ची है, बच्चे की बच्ची, तो उसका कैसा होगा, ऐसा करके वापस आ गई। मगर उसको बार बार विचार आते कि मर जाना चाहिए। अब मैंने बोला भाई ये हुआ कैसे, ये कब से हो रहा है? बोले साल भर से ऐसा हो रहा है। अकेलापन, खुद की केयर नहीं करना, साफ सफाई नहीं रखना घर में भी बराबर, जब ऐसे सिम्टम्स है तो हमको लगता है कि भाई डिप्रेशन है। तो भी मैंने बोला भाई कारण क्या है, वजह क्या है? तो फिर बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा, लोग तो बहुत कवर अप कर लेते हैं। उसको जब डीप पूछा तो फिर उसने बताया कि वो जो हस्बैंड उसके साथ में आया था, बोले मेरे पास में रहते नहीं है। मतलब फिर कहाँ रहते हैं? बोले नहीं वो तो सिटी के दूसरे साइड में रहते, एकदम अपोजिट साइड में। मतलब वहाँ क्यों रहते? नहीं बोले वो अकेले रहते वहाँ। बोले ऐसे कैसे अकेले रहेंगे? फिर जैसा धीरे 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 खोदते गए तो मालूम पड़ा कि ये लेडी का और इसका ब्याह जो हुआ था, इसके साथ में शादी हुई थी, वो करीब करीब 25 साल पहले हुई थी, और इंटरकास्ट, और इंटरकास्ट होने की वजह से घर में अमान्य थी, दोनों के घर में शादी कर लिया, भगा के लेके आए और एक कमरा करके रहना चालू किया। मगर लड़का जो था, मतलब उसका हस्बैंड, उसकी माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बोले मैं खुदकुशी कर लूँगी, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अलग कास्ट की लड़की है। तो उसने माँ के खातिर फिर अपने कास्ट के लड़के से दूसरी शादी कर ली। अब वो माँ, मतलब दूसरी पत्नी, ये अलग रह रहे, उसको बच्चे हैं दो, एक लड़का लड़की है, और इधर जो है वो उसको भी वहाँ रखा हुआ है, और वहाँ उसकी पत्नी करके वो रहती है, उसकी भी लड़की हो गई, बड़ी हो गई, शादी हो गई, मगर उसको भी अकेलापन रहता। क्योंकि क्या होता है कि 50 साल की उम्र ऐसी हो जाती है कि उस समय मेनोपॉज होता है, मतलब जो मंथली पीरियड जो रहते हैं वो करीब करीब औरतों के खत्म हो जाते हैं, उतना सेक्स ड्राइव भी नहीं रहता, बच्चे शादी होकर निकल जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं शादी होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब ये लड़की का तो हस्बैंड भी कभी आता कभी आता नहीं, अब एक दिन भर में करना क्या? तो स्पेशली ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के भी लक्षण हो सकते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, काफी डिप्रेस रहता है, और एक एम्प्टी नेस्ट, मतलब रिकामा घर जैसा होता है ना, वैसा वो रिकामा खाली घर हो जाता है, और उसमें फिर ऐसा लगता है कि अभी जीके करना क्या है। अभी इसको जरूरत थी साइकोथेरेपी की, लेडी को उसको जीने का एक मकसद देना और वो उसके लिए तैयार करना, क्रिएट करना, ये एज ए साइकोथेरेपिस्ट मेरा काम है कि भाई जीने के लिए भी बचा ही क्या है, जीना क्यों है, अभी मरना क्यों नहीं। और इसलिए बार बार उसको विचार आते हैं, और अभी मर गए तो अच्छा है। तो फिर जब साइकोथेरेपी के हमारे सेशंस हुए, मैंने उसको एंटी डिप्रेशन भी दवाई दिया जिससे डिप्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि वैसा बातचीत अच्छी कर रही थी वो, जब अनकेम्ड है, मतलब ख्याल नहीं रखते, और ठीक है, मगर तभी भी डिप्रेशन और रिएक्ट टू डिप्रेशन था, और उसको एंटी डिप्रेशन दवा दिया और साइकोथेरेपी के सेशंस लिए, और उसमें उसको एक जीने का मकसद है ना, संदर्भ जीने का, या जीने का उद्देश्य, पर्पस, एक जीने का मिशन कि भाई जीना क्यों है। अभी उसको मैंने बोला कि क्या आप ऐसा हो सकता है कि आप अभी लोगों के लिए जी सकते हैं, अभी आपके पास में वैसा पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपको हरदम हर महीने में हस्बैंड देता है, अभी क्या आप लोगों के लिए खड़े रह सकते हैं, लोगों के लिए कुछ स्टैंड ले सकते हैं आप लोगों के लिए? क्यों, क्या होता है कि मटेरियलिस्टिक जो है ना, मटेरियलिस्टिक मतलब ये होना वो होना, जो चीजें है वर्ल्डली चीजें, उससे आनंद मिलता है, मगर एक समय होने के बाद में उसमें मजा नहीं आती। फिर हमको कहाँ होना आनंद, कहाँ से मिलता है आनंद? फिर हम देखते हैं मेडिटेशन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, पोथी पुराण करेंगे, उसमें से कुछ मिलेगा आनंद, इसलिए वो करते हैं। सबसे ज्यादा आनंद तो वहां से आता है जब आप लोगों के लिए खड़े हैं, लोगों के जीवन में कुछ योगदान देते हैं और उससे लोग बड़े होते हैं, तो वो देख के अपने को आनंद होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ है, वो जीने का मकसद है, पर्पस है, उसकी चर्चा उसके साथ में किया, वो उसने उसके लिए क्रिएट किया कि अभी मैं अनाथ बच्चों के लिए काम करूंगी और विधवा जो है स्पेशली उनके लिए काम करूंगी, क्योंकि उसका खुद का ऐसा लगता था कि अपन विधवा है, एक दिमाग में ऐसा अंदर घुसा हुआ कि मेरा हस्बैंड तो वैसा भी मेरे पास में रहता नहीं, वैसे भी तो अकेले हूँ, विधवा में मेरे में फर्क ही क्या है, मतलब भाई आप उनके लिए काम करो। ऐसे बहुत सारे लेडीज होंगी आपके जैसे कि जिनका हस्बैंड एक्चुअली मर गया है, बोले हाँ मैं उसके लिए खड़े रहूंगी, और उसने फिर वो तय कर लिया और बोले अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं जीऊँगी तो कुछ लोगों के लिए जीऊँगी, स्पेशल क्लास के लिए जीऊँगी, और मेरे जीने का जो है वो वैल्यू वैल्यूएबल करूँगी, उसकी वैल्यू मुझे अभी समझ में आ गई। तो ऐसा काफ़ी होता है। तो मेरा मकसद ये शेयर करने का इतना ही है
कि जब जब आपको ऐसा लगता है तो आप अपने जीने का मकसद एक तैयार करो। जब जीने में कोई मजा नहीं आता, जीने में राम नहीं आए, जीने में ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ सामने दिखता नहीं है, तो अपने को कुछ तो भी तैयार करना पड़ेगा कि जिसके लिए हम खड़े हैं। और वो यदि हम लोगों के लिए करते हैं तो उसमें जो आनंद, समाधान, सुख, शांति जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करोगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके बच्चे अभी अब पास में नहीं है, या हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, तो उनको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका योगदान दे दो। थैंक यू वेरी मच।